यह मुतालिबा किया है और हम असद मजीद को काल आन करते हैं कि आप इस स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट जरूर दे दें और इस बात की तायीद करो और इसकी तरदीद करो कि उसने जो कहा है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है उसको डिनाई करें, क्योंकि ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जरूर हुई है और उसके आने के एक दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया था। इसकी सारी कंटेंट्स अवेलेबल है, कल की एविडेंस ये बिल्कुल सरासर झूठ है और हम मुतालिबा करते हैं कि असद मजीद साहब एक मरतबा फिर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। ये कल जो डोनाल्ड लू ने जो वहां पे मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए उसमें तो उसने कहा कि ये जो बयानिया बनाया गया कि जो साजिश की गई ये गलत है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात नहीं? देखे दो चीजें असद मजीद की स्टेटमेंट में है। उनने कहा मेरी मीटिंग हुई है और ये उसके कंटेंट से जो मुझे भेजे गए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है, उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। इसलिए उसने जो इसको डिनाई किया है तो लाजिम है कि असद मजीद उसको दोबारा कहे कि असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसके कंटेंट्स क्या थे और उनके साथ कंटेंट थे उसको डिनाई किया है, मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया, लिहाजा वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो असद मजीद एक बार फिर इसकी वजाहत करे, क्योंकि यही दो बंदे मौजूद थे जो उस वक्त थे। सेकंड, साथ ही साथ अगर आप इलेक्शन के बारे में देखें तो उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि अमेरिका ने कभी फ्री एंड फेयर, ये दो लफ्ज उसने बोले, फ्री एंड फेयर का लफ्ज कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। एक घंटा 25 मिनट डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है, वो क्वेश्चन सेशन 1 घंटा 25 मिनट रहा है, साइपर पे फकत 2 मिनट 30 सेकंड उसने बहस की है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हुए दूसरे टॉपिक पे लेकिन उसने कंसील किया है। इस सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्या उसमें ये जिक्र हुआ था या नहीं। अच्छा ये बताइएगा, आप डोनाल्ड लू की बात कर रही हैं, जब से आप अडयाला जेल के अंदर सवालों में आप लोग आना शुरू हुए हैं और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान वो भी ये कहती रही है कि डोनाल्ड लू के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं और वहाँ भी केस करेंगे और अब चूंकि उसको उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है तो इस तरफ भी अब आपको नजरसानी करेंगे कोई उनके खिलाफ भी केस करेगा? देखिए वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी थी वो पार्टी के बिहाफ से नहीं थे, उन्होंने कहा था और इसका तस्करे भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा था कि फैमिली कुछ कर रही है, फैमिली का अपना राइट है, फैमिली किसी और बारन कोर्ट में जाना चाहती हैं तो वो जरूर जा सकते हैं, ये उनका है, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये फैमिली मैटर है, फैमिली के बैकग्राउंड पर उन्होंने कहा था। देखिए जहां तक खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुजाकिरात का ताल्लुक है तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुजाकिरात के लिए और हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग में ही बिलीव करते हैं और बाकी जो बातें हुई है वो 1 पॉइंट एजेंडा पे हमने उनसे बात की है, लेकिन खान साहब की बाहर आना हम किसी मुजाकिरात के साथ उसको अटैच नहीं करते हैं, ना उस पर डिपेंडेंट है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों पर एतमाद करते हैं, अदालतों से ही दरखास्त है कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ 14-14 घंटे ट्रायल चला करके 10-10 मिनट के ब्रेक करके ये केसेस चलवाए गए थे, गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कंडक्ट किए गए थे, अब जबकि हाईकोर्ट इस मैटर को देख रही है, हाईकोर्ट की आइनी जिम्मेदारी है कि ट्रायल कोर्टों के ऐसे फैसलों पर नजरसानी करके खुद उनको देख ले, हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पर जल्द से जल्द फैसला करेगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक अदली इन दोनों केसेस पे फैसला देगी। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।